हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम लोग सेट के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है ओपन कीजिए बुक, चूंकि सारे क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे लिखे नहीं जा सकते, बट इसमें जो है एक्सरसाइज में 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, एग्जाम्पल बताना है रिक्त समुच्चय का, मतलब नल सेट क्या है इसके एग्जाम्पल्स आपको इसमें देखना है। यूपी बोर्ड के बच्चे, जैसे दो से भाज विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अब इसमें देखिए रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि नहीं है, दो से भाज विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है कि विषम प्राकृत संख्याएं दो से भाज्य नहीं होती हैं, तो इसका मतलब इसमें रिक्त समुच्चय है, नल सेट इसमें उपस्थित है, तो ये नल सेट का उदाहरण हो गया। तो नल सेट का एग्जाम्पल्स है, तो इसलिए जो है कोई भी आपको इसमें देखिए दो से कोई भी विषम प्राकृत संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम जो है रिक्त समुच्चय का उदाहरण हम लेते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें सेकंड पॉइंट है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय इसमें आपको देखना है कि क्या ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें आप जो है सेकंड वाला, इसमें सम जो है इसमें दो एक ऐसा है जो सम भी है और इवन नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर भी है साथ में, तो ऐसी कंडीशन को लेते हुए हम लोग इस कथन को देखते हैं। अब इस कथन में बोला गया है कि क्या ये जो है इसमें रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, सम अभाज्य संख्याएं दो तो है ना, दो एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। थर्ड दिया है कि कर्ली ब्रैकेट में इसमें दिया है यक्स, सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यक्स इज लेस देन 5 एंड साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। आपको इसमें कहा गया है यक्स एक प्राकृत संख्या है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यक्स की जो वैल्यू है वो 5 से कम होनी चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 तक होनी चाहिए, बट इसके साथ ये भी बोला है कि यक्स इज ग्रेटर देन 7। इसमें यक्स इज ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो इसमें आपको इसमें नल नल जो नल सेट है वो आपका है, जिसको आप जो है रिक्त समुच्चय बोलते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली इसी टाइप से जैसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि कर्ली ब्रैकेट में वाई सच दैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर हम दो समांतर रेखाएं खींचते हैं तो वह एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब दो समांतर रेखाएं अगर खींची जाती हैं तो उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तो इसमें ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। नेक्स्ट, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आपको पता है कि कौन सा परिमित और अपरिमित के डिफिनेशन आपको पिछली क्लास में बताए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। परिमित और अपरिमित को जैसे फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि इसमें द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मतलब किस महीनों का जो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, यहां पे देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय यहां पे आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, तो 1 से लेके अगर हम इसको सेट के रूप में फॉर्म करें 1, 2, 3, 4, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, इसमें हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।
तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसको मतलब एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी है काउंट करना, तो इसलिए ये कौन सा एलिमेंट्स होगा, परमिट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इसमें, ये परमिट है ठीक है ना, परमिट समुच्चय हो गया जिनको फाइनाइट सेट, फिनिट सेट, फाइनाइट सेट, इसको हम परिमित, परिमित समुच्चय बोलते हैं ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में सेकंड पॉइंट दिया गया है यहां पे, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक है, इसको हमको जो है प्रॉब्लम हो रही है सेट करने में, तो यहां पे परमित समुच्चय नहीं होगा, अपरमित समुच्चय होगा। यहाँ पे 1 to infinitive, इसका मतलब 1 to infinitive, इसको हमको पॉसिबिलिटी नहीं है कलेक्ट करना, तो ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इन्फिनिटिव हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो जब नंबर्स नहीं फिक्स हैं तो ये अपरमित होंगे। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये जो है अपरमित, 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 ये अपरमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है थर्ड में, 1 curly bracket में, आप देखिए curly bracket में गिवन है थर्ड नंबर, यहां पे आप देखेंगे सिमिलरली इसी टाइप से दिया गया है curly bracket के अंदर 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100 इस टाइप से, ये इनफाइनाइट से, ये जो है फाइनाइट सेट के हैं, फाइनाइट सेट है, इसको हम परमिट सेट बोलेंगे, परमिट समुच्चय, फाइनाइट सेट, इसको हम परमिति, परमित समुच्चय बोल सकते हैं। परमित समुच्चय एक से लेके 100 तक के, इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसको आसानी से, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के नंबर फिक्स हैं कि 1 to 100 हैं, तो इसलिए इसको हम परमित समुच्चय बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आप जो सेट बनाएंगे वो 100 से बड़े, तो 100 से बड़े इसमें पॉसिबिलिटी, 100 से बड़े नंबरों की पॉसिबिलिटी बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, तो इसमें हम काउंट करने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये किस तरीके का समुच्चय बनेगा, अपरमित समुच्चय बनेगा, जो फिक्स, जैसे जिसको हम काउंट करने में प्रॉब्लम, जैसे यहाँ से 1 से लेके 12 तक था तो वो परमित था, इसी तरीके से 1 से 100 तक यहाँ पे फिक्स सीमा दे दी गई है, मतलब संख्याएं जो है फिक्स हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम परमित समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो अपरमित समुच्चय होंगे जो 100 से बड़े धन पूर्णांक हैं यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में हमारी अपरमित होगी। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, इसको हम 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं को हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम अभाज्य संख्याएं 9 से छोटे जितने भी हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको हम परमित बोलेंगे, परमित समुच्चय हो गया। ये आपके फोर्थ अपरमित हैं, फिफ्थ नंबर है, ये जो 2 का 5th नंबर क्वेश्चन है वो परमित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परमित है और कौन अपरमित है। सिमिलरली इसी टाइप से x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष के समांतर हम अनंत असीमित रेखाएं खींच सकते हैं, x अक्ष के समांतर, सपोज दैट ये रेखा है, ये x अक्ष है,
यक सच। अब इसके समांतर हम रेखाएं, अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसको हमको ये हम इसके काउंट को कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा अपरिमित होगा। तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और नेक्स्ट है तीसरे का सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं, ये परमित हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से के गुणज हैं, 5 के गुणज जितने भी हैं उनको आप काउंट करने में आपको जो है अनंत ऐसे होंगे। जैसे 5 का मल्टीपल अगर आप लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 5 का मल्टीपल अगर आप लेते हैं, तो 5 का मल्टीपल 10, 10, 20, 20, 25, 30, 35, इसी तरीके से हम कल्ली में इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा परमित होगा। तो ये जो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये इसका अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अगर आप निकाल रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसमें पृथ्वी पर कितने जानवर हो सकते हैं, इनकी जो है जानवरों की संख्या है एक लिमिट में हो सकती है, इसको काउंट किया जा सकता है, तो ये हमारे जो है परमित होंगी। और मूल बिंदु 0.0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु से अगर कई वृत्त जा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 एक्सिस है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ मूल बिंदु है 0.0, तो यहां से इस टाइप से कई वृत्त खींचे जा सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। इस टाइप से हम वृत्तों को खींच सकते हैं, कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, जिनको हम एक सीमा के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक फिक्स सीमा नहीं दे सकते, इसमें कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, जिसको असंख्य वृत्त आप हो सकते हैं, कई संख्याओं में खींच सकते हैं, तो इसको हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू b है अथवा नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि a और b, यहाँ पे क्या है, a और b एक समुच्चय है। अब इसमें समुच्चय कौन कौन से हैं, देख लीजिए a और b की बात कही गई है, तो यहां पर ए और बी यहां पर गिवन है, ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, एंड बी इज इक्वल टू गिवन है डी सी बी ए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे ए में जो भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट के, मतलब ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी डी 4 हैं, तो 4 यहां पे एलिमेंट्स ए में हैं, तो सिमिलरली इसी तरीके से ए बी सी डी ये चारों एलिमेंट्स बी में भी हैं। अब ये डिपेंड नहीं करता है समुच्चय में कि किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया समुच्चय में। अब इसको किस, इसको ए बी सी डी एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखा गया है, अब यहां पे ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को थ्योरी में बताया गया था कि समुच्चय में अगर एलिमेंट्स सेम है बट उनके ऑर्डर एलिमेंट्सों के अलग है, तो ये मैटर नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर ए में जितने एलिमेंट्स है बी में है, इसको हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी होगा। क्लियर, ए इज इक्वल टू बी होगा। अब यहां पे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप में गिवन है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एनसीईआरटी के 4, 8, 12, 16 इसको आप लिख लीजिए। बी के एलिमेंट्स को आप देखिए यहां पे,
एट, फोर, 16 और 18, ये जितने भी एलिमेंट्स है, देखिए 4 इसमें है, 8 है, 4 है और 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, बट ए में 12 जो एलिमेंट्स है वो 12 में, ए में तो 12 है बट बी में 12 नहीं है, 12 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ऐसी कंडीशन में बी जो नंबर है वो मतलब 12 जो नंबर है बी में, बी समुच्चय में नहीं है, ऐसी कंडीशन में ए नॉट इक्वल टू बी होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है आपका यहां पे, थर्ड क्वेश्चन यह है कि ए इज इक्वल टू हाँ यहां पर ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 and 10 ये दिया गया है, बी बोला गया है बी यक्स सच दैट यक्स एक जो है धन पूर्णांक है, धन सम धन पूर्णांक है, यक्स सम धन पूर्णांक संख्या है एंड यक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ये दिया गया है, यक्स एक सम धन पूर्णांक संख्या है एंड यक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब यक्स एक सम धन पूर्णांक है तो यहां पर वो भी कितने तक, 10 के इक्वल हो सकता है, 10 से कम हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं कि x जो है लेस देन 11 होगा, 11 से कम होना चाहिए, वो भी धन सम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो यहां पे 12 लिख सकते हैं क्योंकि 11 तो हमारे धन सम पूर्णांक तो सम धन पूर्णांक तो है नहीं, तो यहां पे जो बात कही गई है, तो इस कंडीशन में हम आते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे भी कंडीशंस इसके दी गए हैं, अब ये किस फॉर्म में, ये एक जनरल फॉर्म में दिया गया है जिसको आप समुच्चय के बिल्डिंग सेट के फॉर्म में आप बोलते हैं, तो इस कंडीशन में इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में 2, 4 चूंकि यक्स की बात हो रही है तो यक्स इसके इक्वल होगा 2, 4, 6, 8 and 10, अब 10 से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, 10 के इक्वल हो सकते हैं, तो ये जितने भी बी में जितने एलिमेंट्स हैं ए में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों सेम हैं, तो इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी होगा। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बोल रहा है कि ए जो है, ये सब क्वेश्चन करने, अगर ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को तो आगे जब आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, ये यक्स एक 10 का, यक्स जो है 10 का गुणज है, इसका मतलब यह है कि यक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ऐसी कंडीशन में बी की वैल्यू गिवन है, बी समुच्चय लिखा गया यहां पे 10, 10, 15, 20, 25, 30 इस टाइप से गिवन है, यहां पे 10, 15, 20, 25 और 30 ऐसी कंडीशन में 10 का गुणज है, तो इसका मतलब ये 10 का तो गुणज है नहीं, इसमें सपोज दैट 10 का गुणज अगर आप लेते हैं तो सारे नंबर्स आप 10 के गुणज का आप यहां पे लिख सकते हैं मल्टीपल का,
तो यहां पे देखिए 15, यहां पे 15 है, जबकि इसमें 15 नहीं आएगा क्योंकि 10 के गुणज में 15 25 ये सब नहीं आएंगे, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना। यहां पे गुणज पूछा है, वहां पे 15 है जबकि 10 के गुणज में नहीं आएगा इस कंडीशन में। अब आइए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिफ्थ नंबर में यहां पे क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ए इक्वल टू, यहां पे ए इक्वल टू गिवन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें ए इक्वल टू समुच्चय 2,3 एंड बी इक्वल टू यक्स यक्स सच दैट यक्स इस सॉल्यूशन ऑफ यक्स जो है यक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 इक्वल टू 0 का हल है, यहां पर ये लिखा गया है। यक्स जो है यक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 का हल है, ऐसी कंडीशन में एक हल है, जो हल है मतलब एक जो है सॉल्यूशन है इसका, एक हल है यहां पर, एक हल है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यक्स कॉमा 2 है तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x+2x+6 इक्वल टू 0। सिमिलरली यक्स कॉमन लेंगे यक्स प्लस 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी यहां पे 3 आएगा, यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन यक्स इक्वल टू -3 एंड -2। इसका मतलब इसकी जो समुच इसका जो सेट बनेगा वो -2 एंड -3 का बनेगा, जबकि इसके समान नहीं है, तो इसलिए ए और बी दोनों जो है समान नहीं, ठीक है ना, ए और बी दोनों समान नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप से है, सेकंड क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ए ए इज इक्वल टू सेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, मतलब एक वर्णमाला है फॉलो का, इसको शायद हम आप लोगों को थ्योरी में ही बता चुके हैं, ठीक है ना, लेटर है वर्णमाला है शब्दों का, शब्द के वर्णमाला, और बी जो है, बी जो है यहां पर वाई, वाई इज द लेटर इन द वर्ल्ड, यहां पे वाई सच दैट वाई, इससे आप जो है इस शब्द के ग्रुप है, इसका मतलब यह है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है एफ ओ एल एल ओ इस टाइप से। बी की वैल्यू जो है, बी का समुच्चय जो है डब्ल्यू ओ एल एफ, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है ना। अब इसके जितने भी वर्णमाला हैं, मतलब इसके जितने भी अक्षर हैं, ए में है उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, तो इसका मतलब इसमें हमने बताया था कि समुच्चय में ये भी बताया था कि रिपीटेशन ऑफ ए एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, समुच्चय में रिपीटेशन रिपीटेड आप जो है रिपीट अगर आप कर रहे हैं
तो रिपीट आप करेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड माला रिपीट है, तो इसमें आप लिखेंगे इसको, आप यही तो लिखेंगे एफ ओ एल, और आपको पता है अब एफ ओ डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, डब्ल्यू ओ एल एफ, इसका मतलब इसका क्रम ऑर्डर कुछ भी हो एलिमेंट्स का, लेकिन सेम ऑर्डर है, सॉरी सेम एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर कुछ भी हो, आप पहले एफ को लिख दें या लास्ट में एफ को लिख दें, ये डिपेंड नहीं करता है समुच्चय में, बट जितने वर्णमाला इसमें हैं या इसमें है वो इसमें होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है ना, ये क्लियर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 6 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस जो है समान समुच्चय का चयन कीजिए। अब जितने क्वेश्चन आप करते आए हैं अभी तक उसको आप जो है ध्यान में रखते हुए आप सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे 6 नंबर के, क्योंकि 5th नंबर तक अगर आप क्वेश्चन समझ में आ गया तो 6th नंबर में वही चीज जो 5th में 4th में आपने बताया वही 6th में होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, इन सारे एक्सरसाइज को आप जो है नोट कर सकते हैं।